हम तो जा रहे हैं फिल्म देखने आज। कौन सी है रामजन है? तो एक दफा लेमिनेशन। अच्छा धुलाई पहले करवाएं या बाद में होगी? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो भाई आज दिन है संडे का और अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं। मैं यहां पर आया हूं अभी मुजफ्फरनगर में अपनी बाइक पे लेमिनेशन करवाने। तो भाई ये हमारे मिलने वाले हैं आमिर भाई, मतलब मैंने अपनी जो बर्गमैन की स्कूटी की लेमिनेशन करवाई थी ना, इनसे ही करवाई थी मैंने। तो मैं इनसे बोल कर गया था कि मतलब एक दिन मैं बाइक लूँगा अच्छी सी और आपसे ही करवाने आऊँगा। तो अभी वो टाइम आ चुका है और हमारी बाइक जा रही है अभी लेमिनेट होने पूरी। तो हम इस पर यहाँ पर भी लेमिनेशन करवाएंगे, इस जगह पर टंकी पे करवाएंगे, साइड के जो पैनल है ना दोनों साइड इन पे भी करवाएंगे। तो चलिए बने रहिए अभी हमारे साथ, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो गाइज़ आमिर भाई के पास हमारे कई सारे कलर रखे हुए हैं, ब्लैक भी है, ब्लू भी है, मगर हमें जो है ना गाड़ी का कलर तो देखिए सबको पसंद आ ही रहा है ये वाला। तो हम इसको ऐसा करवाएंगे कि मतलब सिर्फ लेमिनेशन करवाएंगे वाइट वाली, मतलब हमें कलर नहीं करवाना, सिर्फ वाइट करवाना है ताकि अंदर से ना कलर यही वाला नज़र आए। ये आमिर भाई के काम के ऊपर भरोसा, इस वजह से मुजफ्फरनगर दोबारा आया हूँ मैं। पहले बर्गमैन कराई थी, उसके बाद एक्टिवा कराई और अब ये वाली बाइक लेकर आए यहाँ पर। गाइस हमारे आमिर भाईजान आ चुके हैं अभी और काम में जो है ना मतलब बेहतरीन करते हैं काम। ये दोनों गाड़ियाँ इन्होंने बहुत बढ़िया करी थी, इसी वजह दिल्ली से यहाँ पर आया गया इनके पास। तो आमिर कितना टाइम लगेगा अभी इसके अंदर? दो घंटे कम से कम। तो ठीक है आप काम बढ़िया करो, चाहे 3 घंटे लग जाएँ, और काम तो खैर आप बढ़िया कर दो, खैर उम्मीद है आपसे। तो एक दफ़ा लेमिनेशन। अच्छा धुलाई पहले करवाएँ या बाद में होगी? बाद में हो जाएगी, ठीक है। तो भाई शॉप तो बहुत सारी है यहाँ पे मुजफ्फरनगर में। ये जगह कौन सी कहलाती है? कौन सा? आर्य समाज रोड। तो भाई शॉप तो बहुत सारी है, मगर आमिर भाई के हाथ में जो है ना सफाई बहुत है भाई, बहुत काम है ना, बहुत ध्यान से बहुत सफाई के साथ करते हैं आमिर भाई। तो भाई जब मैंने अपनी स्कूटी करवाई थी ना आमिर भाई से, तो उस टाइम मैं आमिर भाई से बोल के गया था, आमिर भाई याद है ना मैंने बोला था आपसे कि मतलब अच्छी सी बाइक लेकर आऊँगा कोई और फिर उस पर काम करेंगे। हाँ तो आमिर भाई ने कहा था और आमिर भाई ने दुआ भी दी थी कि अल्लाह करे जल्द से जल्द हो और आप अच्छी सी बाइक लेकर आओ। तो वो दिन आ गया कि आमिर भाई के पास आज हम अपना काम कराने के लिए आ गए। मतलब दुआ किसी की भी असर कर सकती है, क्या पता आमिर भाई की भी दुआ लगी हो हमें। तो गाइस तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और भाई अभी इस वाले पैनल पे और टंकी पे हो पाई है, मगर अभी है ना आपको थोड़ी भद्दी भद्दी सी लग रही होगी, मगर अभी देखिए इसकी टेपिंग हटेगी और फिर आएगी गाड़ी के अंदर चमक बढ़िया वाली। हमारी लेमिनेशन फाइनल हो चुकी है। लो जी लेमिनेशन फाइनल हो गई गाइस यहाँ पे, अभी उतर गया ऊपर वाला हिस्सा पूरा और ये हिस्सा लेमिनेट हो चुका है पूरा। अब भाई चमक आमिर भाई बेहतरीन एकदम। ये तो लग भी नहीं रही लेमिनेशन हुई भी, मतलब इतनी फिनिशिंग है आमिर भाई के हाथ के अंदर क्या आप बता नहीं सकते कि लेमिनेट हुई है कि नहीं हुई गाड़ी। अब उतारेंगे आमिर भाई यहाँ की, ये देखिए क्या ज़बरदस्त चमक आई है भाई, एकदम खिल के आ गई गाड़ी। अब भाई फिनिशिंग आमिर भाई किसी किसी के हाथ में होती है, ये काम दिल्ली में भी हो सकता था, मगर मैंने पहले वहाँ पे कराया मगर मुझे मज़ा नहीं आया। इसमें जब आपसे स्कूटी कराई ना, जब मुझे लग गया था मैंने आमिर भाई यार बहुत बढ़िया काम करने वालों में से हैं सफाई से एकदम। ये देखिए लेमिनेट हुई है, यहाँ से दिख रही होगी आपको मगर ऊपर महसूस नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो अब लग रहा है साइड में बॉर्डर ताकि हट ना पाए बिल्कुल भी। Thank you.
खोले करना पड़ेगा। साल तो पहले कहीं सीखा था या खुद ही सीखा था पहले? तो गाइज मीटर पर आमिर भाई ने वाइट कलर की लेमिनेशन डाली, तो मैंने आमिर भाई से बोला कि आमिर भाई इसके अंदर मुझे मज़ा नहीं आ रहा, आप इस पे मीटर पे कोई और सा कलर डालो ताकि अंदर की जो रीडिंग है ना वो उभर कर आए। तो मेरे कहने पर उन्होंने एक बार में ही फ़ौरन हटा दी उसको और यहाँ पे ब्लू कलर डाला। देखिए ब्लू कलर लगने के बाद मीटर हमारा कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पर आमिर भाई मुझसे कहने लगे कि शोकर का जो कवर है मैं थोड़े थोड़े से उनको वाइट कर देता हूँ ताकि गाड़ी और ज़्यादा अच्छी लगे। तो भाई जब हम इतनी देर से अपनी मर्ज़ी से गाड़ी के अंदर काम करवा रहे हैं तो अभी आमिर भाई की बात मानना भी ज़रूरी था हमारे लिए। तो मैंने बोला ठीक है आमिर भाई आपकी मर्ज़ी, जो आपको सही लगे जो आपको बेहतर लगे आप गाड़ी के अंदर कर सकते हो। कहाँ पड़ेगी आपकी दुकान? मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर मीनाक्षी चौक आदि समाए रोड शॉप नंबर 24। ठीक है तो गाइज मुजफ्फरनगर वालों कुछ भी काम करो ना हमारे आमिर भाई के पास आओ यार, बहुत ही तसल्ली बख्श काम होता है शॉप पे। तकरीबन 2.5 घंटे लगे मुझे मगर काम बहुत बढ़िया करा भाई ने। ये ब्लॉग जो बनाया था खास तौर से बोबर की लेमिनेशन के लिए बनाया था, तो बंद करते इस वाले ब्लॉग को यहीं पर ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग के अंदर कुछ नया लेके। अभी दीजिए हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज। 1 hour later जी नहीं कह रहा हूँ फिर खाली बच्चों को, हम तो जा रहे हैं फिल्म देखने आज। कौन सी है? रामजन है नहीं पठान? पठान तो 8 बज चुके हैं। कितने बजे का शो है? 9 बजे का, 9:15 बजे का। तो गाइस बहुत मुद्दतों के बाद आज आपका भाई जाएगा फिल्म देखने हॉल पे। जी हाँ ये रफत भाई के सौजन्य से मुझे फिल्म दिखाई जा रही है। तो आज हम पठान फिल्म देखने जा रहे हैं, पहले पूरी फैमिली का तय हुआ था जाना मगर फिर हमने इरादा कैंसिल कर दिया, अभी सिर्फ रफत भाई और मैं जा रहे हैं। और भाई मतलब मैंने ना बचपन में बहुत छोटा था, वैसे बचपन में सभी छोटे होते हैं, तो जब मैं बहुत छोटा था जब मैंने हम आपके कौन देखी थी उसके बाद मैं आज ये वाली फिल्म देखने जा रहा हूँ क्योंकि इसकी बहुत तारीफ हो रही है। तो गाइस यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अभी पिक्चर हॉल में, टिकट ले लिया रफत भाई ने, तो ठीक है अभी चलते हैं हॉल के अंदर और देखते हैं पठान फिल्म। तो गाइज यहाँ पे रफत भाई ने ना बालकनी का टिकट लिया है और भाई आज आपका भाई है ना जिंदगी में पहली बार बालकनी में से फिल्म देखेगा बैठ के। तो अगले दिन मैंने फातिमा को फोन करके बताया कि फातिमा रात हमने ना पहली बार बालकनी में से पठान फिल्म देखी। तो हमारी बीवी जो है ना, हमारी बीवी साहिबा, वो यूँ कहती हैं कि क्यों रोड पर चल रही थी फिल्म जो आप बालकनी में से देख रहे थे। मतलब इतनी सीधी बीवी, मैं कहता हूँ मतलब
इतनी सीधी बीवी कि मैं बता नहीं सकता। मतलब उसको ये नहीं पता कि बालकनी मैं घर की कह रहा हूँ या फिर पिक्चर हॉल की, क्योंकि फातिमा भी आज तक फातिमा ने हॉल में फिल्म ही नहीं देखी कोई सी भी। तो ठीक है गाइस, हम आ चुके हैं हॉल के अंदर। लाइटें वाइटें सब रेड है, कुर्सियाँ रेड हैं, मज़ा आ रहा है, मतलब एकदम सब कुछ रेड ही रेड हो रहा है। और थोड़ी देर में हमारी फिल्म भी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो ठीक है गाइस, अगर आप लोगों ने यहाँ तक का व्लॉग देख लिया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करें बगैर ना जाएँ। तो मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग के अंदर। अभी ये वाला व्लॉग अपलोड करके मैं निकल जाऊँगा दिल्ली के लिए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह मंगल को या बुध की सुबह को अपने घर के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ, अपना प्यार दिखाते रहिए। ओके, अभी दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Thank you.